क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए बस स्टॉप बैरिकेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, 50 कोन्स से सड़क को, जो रोड है उसको बैरिकेड किया गया है। मेड ऑफ रिसाइकिल कार्डबोर्ड, जो रिसाइकिल कार्डबोर्ड से बने हैं। ईच कोन हैज बेस डायमीटर, सभी का डायमीटर कितना है, टी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। एंड हाइट इज, हाइट कितनी दे रखी है हमें, 1 मीटर। ठीक है, एच इक्वल्स टू 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अगर उसकी बाहर की साइड को सभी को पेंट करना है, तो बाहर की साइड को पेंट करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा सी एस ए। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज आर एस इतने पर मीटर स्क्वेयर, आर एस 12 पर मीटर स्क्वेयर, मतलब जो हमारा रेट है, ठीक है, रेट हमें गिवन है आर इक्वल्स टू 12 पर मीटर स्क्वेयर। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, अभी जो 50 के 50 कॉन्स हैं उनको पेंट करने का टोटल कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, हमें पाई की जगह पर 3.14 यूज करना है, एंड 1.04, रूट 1.04 की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है। तो देखो, हमें डायमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले निकालेंगे रेडियस, आर इक्वल्स टू 40 बाय 2। ठीक है, डायमीटर बाय 2 होता है, तो 40 बाय 2 हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें रेट किस में दे रखा है, रेट है मीटर स्क्वायर में, तो हमें इसे भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में। 0 से 0 कैंसिल, और 1 0 जो बची उसके बदले हम लगा देंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम सी एस ए। निकालने से पहले हम निकालेंगे एल की वैल्यू। ठीक है, तो एल यहां पे निकाल लेते हैं एक साइड में, तो एल इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस में एच का स्क्वेयर। तो सभी की वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू 0.2 का स्क्वेयर प्लस में एच का स्क्वेयर, एच का स्क्वेयर हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वेयर। तो 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2, ये हो जाएगा हमारा 0.04 प्लस में 1 का स्क्वेयर एज इट इज। एल की वैल्यू आएगी हमारी 1 प्लस में 0.04, तो 1.04। और जो ये आया है हमारा, इसकी वैल्यू हमें यहां पे गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 1.02। ये एल की वैल्यू आ गई हमारी 1.02। तो सी एस ए ऑफ वन कोन होगा हमारा पाई आर एल। वैल्यूज पुट करते हैं, तो पाई हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई में आर 0.2 मल्टीप्लाई में एल, एल हमने निकाला है 1.02, जो भी आएगा हमारा मीटर स्क्वेयर में आएगा। ठीक है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा हमारा, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, वो आएगा हमारा 64056 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट आएगा इसमें 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा एक कोन का, लेकिन सी एस ए ऑफ 50 कोन्स, हमें कितने कोन्स दे रखेंगे, 50 कोन्स। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है 50 कोन्स, तो 50 कोन्स का कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई में 0.64056, तो टोटल हमारा आएगा मीटर स्क्वायर में। तो 50 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 32.028 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें और क्या निकालना है इसमें, हमें सीएसए वगैरह तो पूछा नहीं है, उसने फाइनली पूछा क्या है हमसे पूछा है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट क्या होता है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेता हूं मैं, ठीक है, इधर से रब कर लेता हूं, या निकालते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, कॉस्ट होता है हमारा एरिया मल्टीप्लाई में रेट, तो कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई में रेट। तो कॉस्ट, एरिया की वैल्यू क्या आई है हमारी, 32.028 मल्टीप्लाई में रेट, रेट है हमारे पास 12 मीटर, ठीक है, यहां पे भी लिखा हुआ है 12 पर मीटर स्क्वायर,
मल्टीप्लाई में 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा रुपीज में, क्योंकि हमने 12 पर मीटर स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आएगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा हमारा 384.14 रुपीज, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, टोटल कितना खर्चा आएगा उसमें, 384.14 रुपए का। ठीक है।